जीवन में अगर पराधीन बनकर नहीं रहना चाहते तो एक घुड़सवार की यह कहानी जरूर सुनना। मनुष्य पराधीन कैसे बनता है? मित्रों, कहते हैं पराधीनता सुख में रहकर भी दुख है और स्वाधीनता दुख में रहकर भी सुख है। पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आप अपने जीवन में जरूर लागू करना। एक कहावत है जिसे हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना था, वो कहावत बिल्कुल सत्य है। कहते हैं, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए, ओछे की संगत बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन को समझाए, तेज घटे परिनार की संगत, भूख घटे कुछ भोजन पाए, व्यस्न करे सो आयु घटे, पाप घटे हर के गुण गाए। दूसरी बात, जैसे बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य को नष्ट कर देती है, मृत्यु जैसे जीवन को नष्ट कर देती है, निंदा धर्म आचरण को नष्ट कर देती है, जैसे काम लज्जा का नाश कर देता है, दुष्टों का संग सदाचार को नष्ट कर देता है, क्रोध जैसे संपत्ति को नष्ट कर देता है, अभिमान मनुष्य के सभी गुणों को नष्ट करता है, उसी तरह मांगने की आदत आपके सम्मान को नष्ट तो करती ही है, आपको लोगों की दृष्टि में छोटा भी बना देती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेठ का लड़का अपने घोड़े पर बैठकर अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में और भी बहुत सारे मुसाफिर पैदल जा रहे थे। घोड़े को हांकते हांकते सेठ के बेटे के हाथों से चाबुक छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने चाबुक उठाने के लिए पैदल जा रहे यात्रियों में से किसी से नहीं कहा, बल्कि खुद घोड़े को रोककर घोड़े से उतरा और चाबुक उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गया। यह देखकर पैदल चल रहे लोगों ने कहा, भाई साहब, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आप कहते तो चाबुक हम ही लोग उठाकर दे देते। इतने से काम के लिए आप घोड़े से नीचे क्यों उतरे? पैदल चल रहे मुसाफिरों की बात सुनकर सेठ के लड़के ने जो उत्तर दिया, उसे सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। घुड़सवार ने कहा, भाइयों, आपका कहना तो बहुत ही सज्जनता का है, परंतु मैं आपसे ऐसी मदद क्यों लूं? क्योंकि कहते हैं, अपने ऊपर उपकार तभी चढ़ाना चाहिए जब आप उस उपकार का बदला चुका सको। यदि आप किसी के उपकार को लेकर उसे अदा नहीं कर सकते तो उपकार का भार अपने सिर पर नहीं उठाना चाहिए। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। मार्ग में अचानक से हम लोगों का संग हो गया, फिर कभी हम मिले ना मिले इस बात का भी कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति में मैं आपके उपकार को कैसे चढ़ा लूं? पैदल वाले मुसाफिरों ने कहा, भाई, इसमें उपकार की बात क्या है? आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। यदि मानव मानव के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप जैसे भले आदमी के हाथों से चाबुक छूटकर गिर गया, यदि हम उसे उठाकर आपको दे दें तो इसमें हमसे कौन सी बड़ी मेहनत हो जाएगी? ये तो कुछ नहीं, इससे भी अधिक कठिन काम हम हर रोज करते हैं। घुड़सवार ने कहा, भाइयों, आपका कहना एकदम ठीक है। मानव की पहचान ही है परोपकार से। जो मनुष्य परोपकार करना नहीं जानता या नहीं करता, वो मानव तो सिर्फ नाम मात्र का है, असल में तो वो पशु का जीवन जी रहा है, जो सिर्फ अपना ही हित साधन जानता है। पर परोपकारी मनुष्यों को एक बात और सोचना चाहिए कि आपके परोपकार से कहीं किसी का जीवन तो नष्ट नहीं हो रहा है, कहीं वो अकर्मण्य तो ना बन जाए, कहीं उसकी आदत खराब तो ना हो जाए। घुड़सवार बोला, हे भाइयों, चाहे छोटी सी बात हो या छोटा सा काम, मैं लेता तो आपकी मदद ही ना। क्योंकि मित्रों, छोटे छोटे कामों में मदद लेते लेते ही बड़े बड़े कार्यों में भी मदद लेने की आदत पड़ जाती है। आगे चलकर मनुष्य अपने आत्मनिर्भर स्वभाव को भूलकर पराधीन बनता चला जाता है। दूसरों की मदद पाते पाते आत्मा में एक तरह की सुस्ती आती चली जाती है और फिर हमारा स्वावलंबी स्वभाव बदलने लगता है। छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें दूसरों का मुंह ताकने की बान पड़ जाती है। फिर हमारे मन में यही चलता रहता है
कि मेरा ये काम कोई दूसरा कर दे, मुझे हाथ पैर कुछ भी ना हिलाने पड़े। और इस प्रकार हमें दूसरों के सहारे के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। हम अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को, अपनी योग्यता को कहीं प्रयोग में ही नहीं लाते। मौका पड़ने पर फिर हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी योग्यता है, कितना आत्मबल है। सच पूछो तो आपकी योग्यता, आपकी विद्या, आपका साहस, आपका आत्मबल प्रयोग में ना लाने की वजह से छीण होता चला जाता है। और एक दिन जब हमारे पास कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होता है, उस समय हमें पता चलता है कि दूसरों के सहारे पर जीते जीते हम तो शक्तिहीन हो गए। फिर बैठकर देखने या रोने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। दूसरों के उपकार पर पलती पलती हम कितने बड़े आलसी हो गए, हमने सोचा ही नहीं। आज आवश्यकता पड़ने पर हम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि आलसी व्यक्ति की मदद करना उसे मौत के मुंह में ढकेलने जैसा होता है। परंतु मैं यहां पर मदद करने वालों को दोषी नहीं ठहराऊंगा। वो तो अपने कर्तव्य का भलीभांति पालन कर रहा है, जैसा उसे बचपन से सिखाया गया था। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि परोपकारी बनिए। हर मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि वो स्वयं आलसी नहीं बनेगा और पीड़ित, दुखी, असहाय मानव की सेवा भी हो जाएगी। ये तो उन्हें सोचना चाहिए जो दूसरों के उपकारों का भार अपने ऊपर लादते चले जाते हैं, कभी उन्होंने दूसरों के उपकारों को चुकाने का प्रयास ही नहीं किया। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक दिन एक दुखी व्यक्ति जो बहुत निर्धन था, जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, वो भूख से व्याकुल था। संयोग से उस दिन कोई काम भी नहीं मिला तो उसने सोचा कि आज मुझे और मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, क्यों ना आज मैं किसी मंदिर के द्वार पर बैठ जाता हूं, वहां हर रोज अनेक श्रद्धालु आते हैं, अगर मैं अपनी समस्या उन्हें बताऊंगा तो वे मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोचकर वो दुख का मारा व्यक्ति एक मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। भगवान के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के आगे उसने हाथ फैलाते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। वहां तो सब परोपकारी धर्मात्मा लोग ही आ रहे थे। मित्रों, वो मांगने गया था 10 पर मिल गए उसे 500। अब तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा मैं पूरे महीने में मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा सकता, जितने पैसे मुझे सिर्फ 5 मिनट में मिल गए। अब तो उसे उपकारों का बोझ लादने की सनक चढ़ गई। वो रोजाना मंदिरों के द्वार पर बैठकर लोगों के आगे हाथ फैलाने लगा, उनके सामने अपना बनावटी दुखड़ा रोता। लोग उसे दुखी जानकर अपने स्वभावगत परोपकार की भावना होने के कारण उसे मदद के रूप में पैसे दे जाते। उसने इसे अपना धंधा बना लिया। अब इसमें मैं किसे दोष दूं, उसे जिसके अंदर परोपकार और परसेवा का भाव था, या उसे जिसे मदद के रूप में दूसरे के उपकारों के सहारे जीने की आदत बन गई, परोपकार का सुख भोगते भोगते भिखारी बन गया। मित्रों, मैं उस परोपकारी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसे परोपकार करना बचपन से सिखाया गया है। परोपकार करना धर्म है, वो अपने संस्कार का प्रकाश फैला रहा है। पर जो उस प्रकाश के सहारे जी रहा है, उसे सोचना चाहिए कि वो दूसरे के उपकारों का भार अपने ऊपर क्यों बढ़ाता जा रहा है। मित्रों, इसलिए ध्यान रखना, जब तक कोई विपत्ति ना आए, जब तक आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक ना हो, तब तक केवल आराम के लिए किसी से किसी तरह की मदद नहीं लेनी चाहिए। उल्टा मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे उसकी बल, बुद्धि, योग्यता प्रयोग में आती रहेगी और वो एक स्वावलंबी जीवन जीता रहेगा। मित्रों, जिन लोगों को मदद की जरूरत नहीं होती है और फिर भी वे मदद लेने लगते हैं, तो उनके इस तरह के व्यवहार से जिन्हें वास्तविक मदद की जरूरत होती है, उन्हें मदद मिलनी मुश्किल हो जाती है। घुड़सवार की बात सुनकर पैदल चलने वाले मुसाफिर उसकी बुद्धिमता को प्रणाम करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। मित्रों, हम सबको उस घुड़सवार की सोच का पालन करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।